Good afternoon friends, myself Jansari Kishore from Nauka Institute. Today I will teach in standard 12 the main book Flamingo, lesson number 2 Lost Spring, and second story I want to drive a car. मुकेश के बारे में लेसन है और अनिश जंग के मुकेश के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन ली यहाँ पर बताइए. तो आगे स्टोरी में देखा कि ये अनिश जंग मुकेश के साथ उसके घर में जाती है, वहाँ पर उसकी हालत देखती है कि उसकी जो भाभी थी वो सबके लिए खाना पका रही थी. उसके फादर से बात करती, उसके फादर बताते हैं कि पहले वो टेलेंट का काम करते थे लेकिन फिर वो काम में उसको ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था जिसकी वजह से वो बैंगल मेकिंग में लग गए और अपना घर का अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकते थे. तो धीरे धीरे उन्होंने पहले मुकेश के बड़े भाई को भी काम में लगा दिया और फिर लास्ट में भी मुकेश भी वही काम में लग गया. अभी ये जो मुकेश की ग्रैंड मदर थी उससे ये राइटर ने बात की तो उसकी दादी ने बताया कि भाई ये हमारे कर्म है, हमारी डेस्टिनी है, हमारे जो पूर्वज थे वो इसी काम में लगे हुए थे इसलिए ये बिजनेस है, वो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं. उसके बाद उसने अपने हस्बैंड के बारे में बात की कि उसके जो हस्बैंड थे यानी मुकेश के ग्रैंडपा ओके ग्रैंडफादर कि वो लोग भी यानी वो ग्रैंडमा बताती है कि उनका हस्बैंड वो भी यही काम करते थे और ये बैंगल पॉलिश करते करते उनकी आँखें भी क्या हो गई थी, चली गई थी क्योंकि ये जो डस्ट है वो डस्ट की वजह से आँख धीरे धीरे क्या हो जाती है, वीक हो जाती है और कभी कभी आँखें चल भी जाती है. और अभी भी ये बहुत सारे बच्चे ये जो बैंगल मेकिंग का काम है वो एक अंधेरे वाली जगह में जहाँ पर आग लगाकर ये बैंगल को वेल्डिंग करते हैं और दूसरा काम होता है कि जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं वो अगर बचपन से ये काम में लग जाएंगे तो लॉन्ग टाइम है व्हेन दे बिकम यंग, जब वो यंग बनेंगे तब उनकी आँखें वो इतनी तरह से कैपेबल यानी होगी नहीं और वो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, अंधे बन जाते हैं. तो ये ऐसा एक बिजनेस था जिसमें सब लोग क्या हुए थे, लगे हुए थे. अभी उसने बताया कि जो फिरोजाबाद है यहाँ पर आप कहीं पर भी देखोगे तो हर एक जगह आपको अलग अलग कलर की बैंगल से दिखाई देगी, अलग अलग जैसे रेनबो कलर के लिए बात की है कि भाई रेनबो में जितने कलर होते हैं ऐसे हर एक टाइप की जो बैंगल्स है वो यहाँ पर आपको मिलती है. और इन लोगों का ये जैसे ये फोर फादर के टाइम का ये बिज़नेस है और यही लोग ये बिज़नेस क्या करते रहते, वो कभी बिज़नेस चेंज करने का सोचते भी नहीं है क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी वहाँ पर नहीं है. जो यंग बॉयस है वो जब तक वो समझते नहीं तब तक, जब वो समझना स्टार्ट करते उससे पहले तो वो लोग ये बिज़नेस में क्या होते एंटर कर लेते और उसके बाद उनके लाइफ में यही होता है कि भाई हमें दूसरा कोई सोचना नहीं है, उनके फादर मदर ये ब्रदर सिस्टर जो भी लोग उनके फैमिली सब लोग इसी काम से कनेक्टेड है तो वो भी ऑटोमेटिकली ये काम से कनेक्ट हो जाता है और उसकी लाइफ इसी में क्या हो जाती है, बीत जाती है. उसके बाद एक दूसरा एक एग्जांपल दिया एक सविता के बारे में कि सविता एक छोटी लड़की थी, राइटर ने उसको देखा कि वो फटाफट क्या कर रही थी, जैसे ये बैंगल से उसको वेल्डिंग कर रही थी, उसको ज्वाइंट कर रही थी. उसको देखकर लग रहा था कि जैसे वो एक मशीन है. इसका रीज़न ये था कि वो इतने टाइम से, वो एकदम छोटी लड़की थी लेकिन इतने टाइम से वो सेम वर्क करने की वजह से जैसे उसकी स्पीड बढ़ गई थी. ओके तो कोई भी इंसान एक ही टाइम काम बार बार करता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है. इसी तरह से ये जो सविता नाम की लड़की थी कि जिसने एक डार्क पिंक ड्रेस पहना था तो वो जब काम करती है तो फटाफट सोल्डरिंग करती है. तो उसको देखकर राइटर को लगता है कि जैसे ये एक मशीन की तरह क्या कर रही थी, काम कर रही थी लेकिन उसको वो पता नहीं है कि ये जो वो बैंगल्स बना रही है उसका सिंबल है यानी वो रियल में क्या है. क्योंकि ये जो बैंगल्स है दैट इज़ कॉल्ड वुमन सुहाग, सुहाग की निशानी कहते हैं कि जब भी कोई लड़की कोई शादी करती है तब उसको ये बैंगल्स क्या करते हैं, सुहाग की निशान की तरह पहनाया जाता है. लेकिन ये इतनी छोटी थी कि ये बात को उसको पता नहीं था. तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिसको कुछ पता नहीं था फिर भी ये बैंगल के बिज़नेस के साथ वो कनेक्टेड थे और पूरा टाइम अपना क्या करते थे, उसी में बिताते थे. उसके बाद दूसरे एक फैमिली से ये जो अनिश जंग है वो कांटेक्ट में आती है तो वो बताती है कि भाई ये बिज़नेस के साथ हम इतने टाइम से लगे हुए लेकिन फिर भी हमें जो खाना है दो टाइम का अच्छी तरह से हमें खाना मिलता नहीं है. फिर भी वो लोग
अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि भाई ये बिज़नेस में उनका कुछ ना कुछ खाना मिलता है, बाकी आसपास में दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि दूसरा कोई बिज़नेस भी नहीं था कि जिसमें वो जा सके। यानी हर एक लोग को कंपलसरी ये बेंगल के बिज़नेस में ही आना है। इसी तरह से ये जो राइटर है तो अलग अलग लोगों से, जैसे मुकेश से उसके अलावा बहुत सारे लोगों को मिले, कभी कभी उसने बताया से कि भाई आप लोग ये जो मेहनत करते हो और आपको उसकी मजदूरी भी प्रॉपरली मिलती नहीं है। क्यों? उसका रीज़न ये था कि मीडिएटर है वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वो ले लेते थे। मीडिएटर है वो इन लोगों को ओनली क्या कर देते थे, मजदूरी लेते थे और जितना भी बेनिफिट है वही लोग ले लेते थे। तो एक बार एक जो यंग ग्रुप था उनके सामने एनएस जंग ने बोला कि आप खुद भी क्या करो, बिजनेसमैन बन जाओ, आप खुद अपना जो प्रोडक्ट है आपके जो बैंगल्स है वो रियल में ख़राब बिजनेस नहीं है, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप खुद अगर उसको बेचते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन वो लोग बताते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो मीडिएटर है उनके साथ पुलिस भी कनेक्टेड है, उसके बाद पॉलिटिशियन और बड़े बड़े जो मिनिस्टर वो भी उनके साथ कनेक्टेड है, और उससे अगर हम कुछ खुद का करने चाहेंगे तो पुलिस वाले हमें क्या करेंगे, पनिश करेंगे, जेल में डाल सकते, और इस तरह से उनको परेशानी थी। लेकिन ये परेशानी के बावजूद भी वो लोग अपनी लाइफ क्या कर रहे थे, वो बिता रहे थे। तो इस तरह से ये अनीस जंग ने पूरे बच्चों को ऑब्जर्व किया और दिखाया कि भी कैसे लोग किस तरह से परिस्थिति में रहकर भी क्या करते, अपना काम करते रहते। और उसको देखकर ये मुकेश को देखकर लगा कि भाई मुकेश बोल रहा है कि उसको मैकेनिक बनना है, मोटर मैकेनिक, लेकिन कोई चांस नहीं है कि वो मोटर मैकेनिक बन सके, क्योंकि ये जो एक परंपरा इतने सालों से चलती आ रही है वो परंपरा को तोड़कर वो किसी और बिजनेस में जा सकता नहीं है। इसके बाद ये राइटर उसको पूछते कि भाई तू मोटर मैकेनिक यानी क्यों समझ, क्यों तो प्लेन फ्लाई नहीं कर सकता, प्लेन चलाना नहीं सीख सकता, यानी प्लेन मैकेनिक नहीं बन सकता। तो उसने एकदम अपना सर नीचे झुका दिया, जिससे उसको लगता है कि उसके आसपास बहुत सारी मोटर थी, कार थी, उसको देखकर उसने ये अपना एक करियर डिसाइड किया। लेकिन जो प्लेन थी वो फिरोजाबाद के जो स्काई में बहुत ही कम थे, यानी उसने बहुत ही कम देखे थे, जिसकी वजह से उसके बारे में वो ज़्यादा सोच सकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये जो स्टोरी थी आई होप आपको पता चली होगी, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप यही कि स्टोरी 2-3 बार सुनिए तो आपको परफेक्टली पता चल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।